वेलकम बैक टू माई चैनल। सुबह हो चुकी है और आज मेरे लगभग सारे काम निपट चुके हैं। मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है, ये ऑफिस जा चुके हैं, मुमला स्कूल जा चुकी हैं और आज मेरा काम है सुबह सुबह अपने घर में कुछ चीज़ों की फिटिंग करना। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये एक बाथरूम का कॉर्नर है जो कि मैं करीब 3-4 दिन पहले मार्केट से खरीद के लाई थी और मैंने आपको दिखाया भी था। तब से मैं आज तक यहाँ पे इसको फिट करने के लिए प्लम्बर भैया का वेट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, इस सोसाइटी में एक ही प्लम्बर भैया हैं और वो सब लोगों के यहाँ की फिटिंग का सारा काम वही करते हैं। उनको मैंने 3 दिन से बोल रखा है कि आप इसको आके फिट कर दीजिए, बट उनके पास टाइम नहीं हो रहा है। वो डेली मुझे आजकल बता रहे हैं और इसकी वजह से ये काम लटकता जा रहा है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि अब मुझे प्लम्बर भैया का वेट नहीं करना है और इसे आज मैं खुद से ही फिटिंग करूंगी। इसके अलावा ये जो एक कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये एक जो सेल्फ टाइप का है, ये यहाँ मैंने एक भाई यही प्लम्बर भैया से फिट कराया था और ये उन्होंने साइड में कॉर्नर में ले जाके फिट कर दिया है, जो कि मुझे देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं इसको भी यहाँ से हटाऊंगी और इसको सही जगह पे, आई थिंक इस जगह पे ये ठीक दिखेगा, तो मैं यहाँ पे इसे लगाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने ये दोनों काम निपटाने के बाद ही जाके नहाऊंगी और उसके बाद मैं बाकी के काम निपटाऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये दोनों काम मैं करूंगी। तो आइए चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हम उस जगह पे मार्किंग कर लेंगे जहां हमें ये लगाना है और उसके बाद हम वहां पे ड्रिल से इसको टांगने की कोशिश करेंगे। पड़ी है, इसी की वजह से मैंने नहाने से पहले यह काम करने की सोची। बस हो गया। तो दोस्तों, मेरा एक काम तो पूरा हो गया, बाथरूम में कॉर्नर लग गया और मैं आके थोड़ी देर के लिए बैठ गई। मैं इस तरह के जब भी कोई काम करती हूँ तो थोड़ा ब्रेक ले लेके करती हूँ। अब शुरू करते हैं इस काम को भी। पहले इसको यहाँ से हटा के इस जगह पर लगाऊंगी, क्योंकि ये वॉल बहुत ज़्यादा खाली खाली सी लगती है और ये एकदम कॉर्नर में सटा हुआ सा हो गया। तो इसको यहाँ पर लगाऊंगी और उसके बाद ये जगह जो खाली हो जाएगी इसको पेंटर भैया से बात करूंगी, अगर वो कलर कर देंगे तो ठीक, अदरवाइज वो मेरा काम है, वो भी ठीक करना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी इसे ठीक करते हैं।
तो ये काम तो फाइनली हो गया और अब मैं जा रही हूँ। दोस्तों समर ब्रेक्स कुछ बच्चों के स्टार्ट हो गए हैं, कुछ बच्चों के स्टार्ट होने वाले हैं। समर ब्रेक में जब बच्चे पूरा टाइम घर पे रहते हैं तो अक्सर वो बहुत ज्यादा बोर होते हैं, पास काफी सारा टाइम हो जाता है क्योंकि स्कूल में बच्चे 4-5 घंटे आराम से निकाल लेते हैं और उसके बाद जब वो घर आते हैं तो वो थक भी जाते हैं और होमवर्क करते हैं, फिर तो उनका पूरा दिन अच्छे से एंगेज होके निकल जाता है। लेकिन जब वो घर पर होते हैं तो उनके पास अच्छा खासा टाइम होता है, तो अगर आप उनके साथ कुछ अच्छा क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हो तो वो बोर होंगे और परेशान होके आपको भी परेशान करेंगे। इसलिए मैंने इस समर्स में भूमिजा के साथ काफी सारी एक्टिविटीज प्लान की है जिसमें मैं बहुत सारी तरह की DIY चीजें बनाने वाली हूँ भूमिजा के हेल्प से, जो कि भूमिजा बनाएंगी, मैं सिखाऊंगी और भूमिजा बनाएंगी और कुछ कुकिंग भी करेंगे हम साथ साथ में, लेकिन बिना फायर वाली जिसमें बच्चों को कोई हार्म ना हो। और भूमिजा को बहुत मजा आता है इस तरह के कामों में, तो मैं उस जो भी करूंगी उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आपने अपने बच्चे के साथ क्या किया ये प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। 4 मिनट में भूमिजा का पार्ट टाइम होने वाला, भूमिजा तैयार होंगी, तो अब इसके बाद मेरे पास तो अभी कुछ काम है नहीं तो मैं कुछ देर पढ़ने बैठूंगी। क्या नहीं बनता तो मैं बताती हूँ। और मैं साथ में बनाने जा रही हैं स्विस रोल, लेकिन मेरी मन पसंद मिठाई है और उसके लिए आग भी नहीं जलानी पड़ती। तो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में बताइएगा, तब तक के लिए चलिए बनाते हैं। स्विस रोल बनाने के लिए हमें चाहिए दोस्तों पहले मैरी गोल्ड, फिर हमें चाहिए मिल्क मेड और कोको पाउडर, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट। और ये है कोकोनट पाउडर। तो चलिए बनाते हैं, मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। एक्चुअली मुझे ये बोलना नहीं आता पूरा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये बिस्किट डालना होगा इस मिक्सी में, कम से कम सारे डालकर फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना होगा। थोड़ा भी चुरकुना नहीं बनना चाहिए वरना हमारा स्विस रोल नहीं बन पाएगा। बस करो। इतना ही हो गया। आपके पास अगर छोटा वाला है तो आप छोटा वाला पूरा डाल सकते हैं, पर हमारे पास बड़ा वाला था तो मैंने आधा ही डाला है क्योंकि मिक्स की पूरी भर गई है। दोस्तों ये हमारा बिस्किट का पाउडर है, इसमें हम मिल्क मेड और कोको पाउडर मिलाएंगे, तो मिलाना मत भूलिएगा। तो मुझे कोकोनट पाउडर बहुत पसंद है और इसमें वही मिला है, एकदम कॉफी टेस्ट बन गया। उसी तरीके से इसकी बॉल बनने तक इसे मिलाएंगे, सो मिलाते रहिएगा। दोस्तों देखिए अब ये एकदम बॉल जैसा बनने लग गया है और चिपकने भी लग गया है, तो दिखाते हैं शायद ये बॉल बनने ही लग गया है। नहीं क्या है लड्डू देखिए आल बने जैसा हो गया, वो कितना फैली है। अब हम इससे बनाएंगे मिठाई, चलो करते हैं। दोस्तों अब मुझे
इसे बनाने में मम्मी की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि वही इसे शेप दे सकती है। दोस्तों अब हम सबसे पहले जो हमने बिस्किट के बैटर से बॉल तैयार की थी उसको एक प्लास्टिक शीट के नीचे रख के ऊपर से उसे प्लास्टिक शीट से कवर करके उसका एक पराठा बना लेंगे। उसके बाद हम दूसरे जो हमने कोकोनट बॉल तैयार की थी कोकोनट पाउडर से उसको भी सेम प्रोसेस से एक पॉलीथीन पेपर के नीचे रख के और उस पर ऊपर से पॉलीथीन पेपर से कवर करके पराठा बना लेंगे। अब इन दोनों पराठों को हम बहुत अच्छी तरीके से बेलने के बाद एक के ऊपर एक रखेंगे। पहले ब्राउन वाली पराठे को रखेंगे जो कि हमने कोकोनट जो हमने बिस्किट से बनाया था, फिर हम उसके ऊपर कोकोनट वाला पराठा रखेंगे। ये जो कोकोनट वाला पराठा है इसको खूब अच्छी तरीके से प्रेस करके चिपका देंगे इस पराठे दूसरे बिस्किट वाले पे, क्योंकि जिससे इसके अंदर का बबल निकल जाए, एयर बबल निकल जाए। और फिर अब इसे पन्नी की सहायता से प्रेस करके रोल कर देंगे। रोल की शेप करने के बाद दोनों साइड खूब अच्छी तरीके से लॉक कर देंगे। दोस्तों देखिए हमारी कैंडी बन चुकी है। आपके जब भी बन जाए तो आप इसे 5 से 6 घंटे ही फ्रिज में, ना कि फ्रीजर में। दोस्तों अब हम इसे निकालेंगे। अगर आप सोने जा रहे हैं तो पूरी रात के बाद, पूरी रात के बाद। दोस्तों हमारा स्विस रोल बनकर तैयार है। ये काटने के बाद कुछ ऐसा लगता है, बस पूरे को ही काटिएगा, थोड़ा मोटा मोटा काटिएगा, एकदम बहुत ही टेस्टी। इंडिया ने बहुत अच्छा पेपर किया है, इनकी आश्वासन के बेस पर हम लोगों ने आज शाम को गारंटी के बेस पर आप के भी खुशी में हम लोगों ने रखी है एक हैवी स्नैक्स पार्टी, जिसमें हमारे पास ढोकला है, हमारे पास ये शाही शरबत आजम टाइप है, हाँ। शाही शरबत आजम है, और हमारे पास मटर समोसा है, और हमारे पास प्लेन समोसा भी है। और अब हम लोग और ज्यादा वेट नहीं करेंगे, और गुंजा ने तो वेट किया भी नहीं है, ऑलरेडी शुरू है। हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करेंगे और शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो प्रचोदया। खाना नहीं बनाना है क्योंकि आ गया है बहुत हैवी स्नैक्स, और ये आया है भूमिका के समर वेकेशन और इनके अच्छा एग्जाम लिखने की खुशी में। तो देखते हैं कि भूमिका ने क्या लिखा है। फिलहाल समर वेकेशन तो हो गई है और मेरी तो पार्टी हो गई है, क्योंकि एक तो मुझे खाना नहीं बनाना है और दूसरे इतना मजेदार आइटम है, तो इसलिए आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों आज हमने किए बहुत मजे, मैंने और भूमिजा ने साथ में, और आज से शुरू हो गया है भूमिजा का समर ब्रेक, इसलिए हमने आज भी पार्टी की और अब हम दोनों मिलके रोज कुछ ना कुछ तो धमाल करेंगे। या, क्योंकि अब मेरे हो गए समर वेकेशन। यस, और अब हम इस तरह का कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे साथ में, है ना? Yes. बहुत अच्छी रेसिपी बनाई और हमने पार्टी की, और अब हो गई है बहुत ज्यादा रात, बजे हैं दस और अब हम लोग जा रहे हैं सोने। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर Yes, like, subscribe and share my channel. Good night. Bye bye.